हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए चंडीगढ़ से काफ़ी वैकेंसीज निकली हैं उसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आया हूँ। और बहुत ही रिस्पेक्टेबल वैकेंसीज हैं, अच्छी सैलरी के साथ, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में। तो आज का जो वीडियो है, आप लोगों ने अच्छी तरह से देखना है, समझना है कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे जो अप्लाई करने की जो प्रोसेस है, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। क्योंकि ऐसा नहीं है, समटाइम क्या करते हैं हम, अपना रिज्यूम लगाते हैं, मेल एड्रेस पे डाल देते हैं। मैंने आपको कई बार पहले भी बताया था, हर ऑर्गेनाइजेशन का तरीका एक डिफरेंट होता है रिज्यूम को एक्सेप्ट करने का। तो आज का भी जो वीडियो है उसमें भी ये बात स्पेशली लिखी गई है कि जो तरीका है अप्लाई करने का वो थोड़ा डिफरेंट होगा। ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही वेल रेप्यूटेड है और एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा। प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें, और साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने कोई भी कमेंट हो, किसी भी तरह की आपकी एडवाइस हो, वो भी लिखें। और सबसे बड़ी बात, कोई कंसल्टेंसी, कोई पैसा नहीं है, कुछ पैसा नहीं देना है ना मेरे को ना किसी और को। नो नीड टू गिव द मनी टू एनीवन। ओके, आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प ऑल ऑफ यू। और बस आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ आप भी चार और लोगों की हेल्प करें। तो शुरू करते हैं आज की कंप्लीट जानकारी, और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सुनील कौशल में। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हो, मेरे आपके सामने एक वेबसाइट है, PMLSD बिजनेस स्कूल, सेक्टर 32C, चंडीगढ़। ये बहुत ही वेल रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है, PMLSD बिजनेस स्कूल। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, और इसमें मैं आप लोगों को आज की जो वैकेंसीज हैं उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो आप लोगों ने एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अप्लाई करने का तरीका इनका बिल्कुल डिफरेंट होगा। कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको एक एक बात इसमें बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप वेबसाइट में चाहेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है बी स्कूल प्रेजेंटेशन, यहाँ लिखा है कॉन्टेक्टर्स, यहाँ लिखा हुआ है करियर्स, और यहाँ लिखा है अप्लाई नाउ। आपने जाना है करियर्स पे। मैंने यहाँ जैसे क्लिक किया तो करियर्स की जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। अब मैं इसको स्क्रॉल डाउन जब करता हूँ तो देखिए, ये इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, PMLSD बिजनेस स्कूल, सेक्टर 32C, चंडीगढ़ में जो वैकेंसीज हैं वो हैं, नंबर 1 एसोसिएट प्रोफेसर्स फाइनेंस, और उसके लिए रिक्वायरमेंट रहेगी, क्वालिफिकेशन रहेगी PhD डिग्री इन दी रिलेवेंट फील्ड एंड फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट एट आइदर बैचलर्स और मास्टर लेवल इन दी रिलेवेंट ब्रांच। एटलीस्ट टोटल ऑफ 6 रिसर्च पब्लिकेशंस इन SCI जर्नल्स और UGC और AICTE अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ जर्नल्स। मिनिमम 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग रिसर्च इंडस्ट्री, आउट ऑफ विच एट लीस्ट 2 ईयर्स शैल बी पोस्ट PhD एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, ये आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होने चाहिए। अगली जो जानकारी है वो मैं आप लोगों को अब शेयर करने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगली जो वैकेंसी है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर्स मार्केटिंग HR एंड OBH बैचलर। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन एंड मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन PGDM CA ICWA MCOM विद फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट एंड 2 ईयर्स ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आफ्टर एक्वायरिंग द डिग्री ऑफ मास्टर डिग्री PhD इन द रिलेवेंट फील्ड विल बी प्रेफर्ड। तो देखो, ये जो वैकेंसीज हैं एसोसिएट प्रोफेसर फाइनेंस में और असिस्टेंट प्रोफेसर मार्केटिंग HR और OB में, इसके लिए PhD, और अगर आप लोगों ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बैचलर डिग्री की हुई है या मास्टर डिग्री की है, जैसे MBA PGDM वगैरह वगैरह, तो आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है। वैसे इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आपने अप्लाई करना है तो आप पहले डाउनलोड कीजिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है, उस फॉर्मेट में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, इसलिए किसी भी तरह की कोई चूक नहीं होनी चाहिए अप्लाई करते वक्त। तो पहली बात तो इनका जो रिज्यूम आप सेंड कर सकते हैं, जैसे ईमेल एड्रेस तो सबने दिया होता है, PMLSDBS@gmail.com, तो इस पे अप्लाई तो आप कर ही लीजिएगा। लेकिन इसके अलावा अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अप्लाई आपने करना कैसे है फ्रेंड्स। तो देखिए, ये वेबसाइट में लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट फॉर्म,
आपने परफॉर्मा फॉर दी पोस्ट ऑफ फैकल्टी जनरल कंडीशन फॉर एप्लीकेंट AICTE रेगुलेशंस। तो पहली बात तो परफॉर्मा ये आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है जो मैंने पहले ही ओपन किया है, लेकिन अगर मैं क्लिक करूँ यहाँ पे तो फिर से आपके सामने ये देखो परफॉर्मा ओपन होने वाला है। अब आपके सामने देखो ये परफॉर्मा आ गया, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, इसको फिल करना है। यहाँ एक फोटोग्राफ स्कैन करके आपने जरूर लगाना है, नेम इन फुल, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, जेंडर, मतलब ये पूरा परफॉर्मा आपने यहाँ से लेकर के फिल करना है कम्प्लीटली। जैसे कि हम अपना रिज्यूम बनाते हैं तो वो सिंपल रिज्यूम एक्सेप्टेबल यहाँ पे आपका नहीं होगा, वो भी इसी तरह से आप इसको डाउनलोड करेंगे तब भी आपको स्कैन करके ईमेल एड्रेस में वहाँ पे भेजना पड़ेगा फ्रेंड्स। और दूसरी बात, जनरल कंडीशंस फॉर एप्लीकेंट, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो इन्होंने जो जनरल कंडीशंस लिख रखी हैं PMLSD बिजनेस स्कूल की तरफ से, वो ये हैं। नंबर 1, कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ओनली ऑन द प्रस्क्राइब फॉर्म एंड मस्ट मेंशन एट द टॉप ऑफ द फॉर्म पोस्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। और दूसरा, सेपरेट एप्लीकेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर ईच पोस्ट अप्लाइड। ऐसा नहीं है कि आप एक ही दो पोस्टों के लिए एक ही में आप अप्लाई करो, अलग अलग के लिए अलग अलग तरीके से आपको अप्लाई करना है। और तीसरा देखो ना लिखा है इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस, इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस आपकी यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होंगी, तो इसलिए इस बात का आप लोगों ने खास ध्यान रखना है। बाकी AICTE के जो रेगुलेशंस हैं वो आप यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर ये क्वालिफिकेशन जो मैंने आपको बताई है उसका वो अगर कंप्लीट है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कीजिए, आप उसको फॉलो करते ही होंगे फ्रेंड्स। अब तो ये थी आज की जो जानकारी, वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा और जरूर लिखिएगा, अपने लाइक जरूर दीजिए और अपने कमेंट, अपनी एडवाइस जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि किसी के काम की ये पोस्ट है आपके काम की नहीं है तो उनको बताइए, कम से कम 4 लोगों की हेल्प जरूर कीजिए। इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।